आखिर क्या हुआ दोस्तों, जब महादेव के महाप्रलयंकारी अस्त्र को कर्ण ने हवा में अपने हाथों से रोक दिया? आखिर क्यों हुआ महादेव और महारथी कर्ण के बीच में महायुद्ध, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्ण और महादेव के बारे में। दोस्तों, कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसे बचपन से ही बार बार अपमानित होना पड़ा था। जन्म लेते ही जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया। शिक्षा के लिए जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने सूत पुत्र कहकर उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण की। लेकिन भगवान परशुराम को जब यह पता चला कि कर्ण एक ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है, तो उन्होंने उसे एक श्राप दिया, जिसके कारण कर्ण श्रापित जीवन जीने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि अगर महाभारत में सबसे शक्तिशाली कोई थे तो वह कौरवों के पक्ष में वह गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण ही थे। और महाभारत युद्ध में छल से देवराज इंद्र ने कर्ण के कुंडल और कवच उनसे छीन लिए थे, लेकिन फिर भी कर्ण के कुंडल और कवच उतर जाने के बाद भी वे इतने शक्तिशाली थे कि अर्जुन के रथ को एक ही तीर से हवा में उड़ा सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दोस्तों, यह बात महाभारत के युद्ध के 14वें दिन की है, जब कौरव सेना और पांडव सेना के बीच में एक भयंकर युद्ध होने लगता है। और उस समय जब सूर्य पुत्र कर्ण युद्ध में आते हैं, तब पूरी पांडव सेना पर कहर बनकर छा जाते हैं। फिर अर्जुन यह देखकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, देखिए कर्ण किस तरह से हमारी सेना का नाश कर रहा है। अगर आज इसी प्रकार होता रहा तो आज ही यह हमारी पूरी सेना का सर्वनाश कर देगा। इसीलिए अब आप आगे चलिए, मुझे ही इससे युद्ध करना पड़ेगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो सूर्य पुत्र कर्ण के सामने रात्रि के समय में युद्ध में खड़ा रह सके। कर्ण को रात्रि के समय युद्ध में रोक पाना या परास्त कर पाना असंभव है। इसके बाद श्री कृष्ण मायावी राक्षस घटोत्कच का आवाहन करते हैं और उसको कर्ण से युद्ध करने का आदेश देते हैं, क्योंकि रात्रि के समय में राक्षसों की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। इसके बाद मायावी राक्षस घटोत्कच और सूर्य पुत्र कर्ण युद्ध करने लगते हैं और महारथियों के साथ साथ सूर्य पुत्र कर्ण पर भी आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद सूर्य पुत्र कर्ण और घटोत्कच के बीच में युद्ध होने लगता है, जो कि पूरे महाभारत का सबसे खतरनाक और महाभयानक युद्ध था। फिर युद्ध में कर्ण अपने तीरों से घटोत्कच की सेना को घायल कर देते हैं और युद्ध छोड़कर भागने पर मजबूर कर देते हैं। और इसके अलावा महारथी कर्ण एक और खड़ी घटोत्कच की राक्षसी सेना को भी नष्ट कर देते हैं और घटोत्कच को भी अमोघ शक्ति चलाकर मार देते हैं। दोस्तों, यह सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपने दानवीरता के लिए जाना जाता है और इसी दानवीरता के कारण कर्ण को इंद्र की अमोघ शक्ति प्राप्त हुई थी। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन की चिंता सताने लगी थी कि कर्ण के कुंडल कवच होते हुए मेरा पुत्र अर्जुन कर्ण को परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानते थे कि सूर्य देव का दिया हुआ कुंडल और कवच जब तक उसके पास है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। और इसीलिए इंद्र ने छल का सहारा लिया और एक दिन जब सुबह कर्ण सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, उसी समय वह एक ब्राह्मण का भेष धारण करके कर्ण के सामने आए और दान में कर्ण के कुंडल और कवच मांग लिए। और कर्ण ने ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कुंडल और कवच दान में दिया और फिर वह ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देव, आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ब्राह्मण नहीं बल्कि देवराज इंद्र हैं। और मैं यह भी जानता था
कि आज आप मुझसे कुंडल और कवच मांगने वाले हैं। कर्ण के मुख से यह बात सुनकर देवराज इंद्र उस वक्त अपने असली रूप में आ गए और कर्ण से बोले, हे कर्ण, तुम्हें यह बात किसने बताई? और जब यह बात तुम जानते थे तो फिर आज सूर्य देव को अर्घ देने क्यों आए? तब कर्ण ने कहा, हे देवराज इंद्र, यह सारी बातें मुझे मेरे पिता सूर्य देव ने रात में बताई थी और मुझे सुबह अर्घ देने से मना भी किया था, पर हे देवेंद्र, अब आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म से विमुख कैसे हो सकता हूँ? तब इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तुम महान हो और इस दुनिया में आज तक तुम्हारे जैसा दानवीर ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। आज के बाद तुम महादानवीर कर्ण के नाम से जाने जाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति देता हूँ, पर यह बात याद रखना कि तुम इस शक्ति का उपयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो, लेकिन जिस पर भी इसका उपयोग तुम करोगे उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती। उसके बाद देवराज इंद्र वहां से अंतर ध्यान हो गए और फिर जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तब कर्ण ने अपनी यह शक्ति अर्जुन के लिए बचा के रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल किया, जिससे कर्ण इंद्र की दी हुई वास्तविक शक्ति को घटोत्कच पर चलाने के लिए मजबूर हो गए। इसके अलावा कर्ण के पास ब्रह्मांड अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र, अग्नि अस्त्र, भार्गव अस्त्र, नाग अस्त्र जैसे कई अस्त्र थे जिन्हें मंत्रों द्वारा प्रकट किया जाता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता पड़ती थी और इन्हें चलाने के लिए कर्ण विजय धनुष का उपयोग करते थे। जिस वक्त अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस वक्त कर्ण के हाथों में उनका विजय धनुष भी नहीं था। अगर उनके हाथों में उनका विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उसका वध नहीं कर सकते थे। और कहा जाता है कि कर्ण और घटोत्कच का जब युद्ध चल रहा था उस समय घटोत्कच बहुत ज्यादा क्रोध में था और उसके बाद उन्होंने महादेव द्वारा दिया गया अत्यंत ही शक्तिशाली अस्त्र वज्र अस्त्र कर्ण पर चला देते हैं, जो घटोत्कच ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे प्राप्त किया था। भगवान शिव का यह वज्र इतना शक्तिशाली था कि इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि कोई भी देवता या देवताओं के राजा इंद्र भी इस अस्त्र को रोक नहीं सकते थे। अब घटोत्कच पूरे क्रोध में भरकर कर्ण पर भगवान शिव का यह वज्र चला देता है, जिसे देखकर कर्ण अपने रथ से नीचे उतर आते हैं और वह भगवान शिव के वज्र को देख उसकी ओर बढ़ते हैं और उसे ऊपर ही हवा में अपने हाथों से रोक लेते हैं। दोस्तों, यह सब देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उस अस्त्र को कर्ण वापस घटोत्कच पर ही फेंक देते हैं। फिर घटोत्कच उस वज्र से अपनी जान बचाते हैं और उसके बाद वह वज्र घटोत्कच के रथ को नष्ट करता हुआ धरती में समा जाता है।